वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले लोगों के बारे में। और जो बेसिकली आपको मोस्टली इन वीडियोस में मिलता है कि कुछ लोग स्कॉर्पियंस के बारे में उनकी बेसिक क्वालिटीज़, डीमेरिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एक बेसिक आउटलाइन दे देते हैं, इस वीडियो में ये नहीं होगा। मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि जब स्कॉर्पियो किसी का असेंडेंट बन जाता है तो उसकी पूरी लाइफ में जो बाकी के हमारे हाउसेज होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि असेंडेंट में होने का मतलब है हमको हमारी लाइफ का एक मैप मिल जाना। तो ये जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट में बैठने के बाद क्या क्या क्वालिटीज़ हमको पता चलती हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बाकी के 12 हाउसेज कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो असेंडेंट होता है वो हमारी पूरी लाइफ को मैप करता है, एक हमको एक क्लियर आइडिया दे देता है कि हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसे होने वाली है। जैसे कि हमारी एजुकेशन, हमारी पर्सनालिटी, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, मैरिज, करियर, रिलेशनशिप्स और ये बेसिक जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हमको अपने लाइफ के बारे में, हर एक एरिया के बारे में पता करनी होती है, असेंडेंट हमको एक क्वालिटी बताता है। जैसे कि अगर हम किसी खाने की चीज़ को देख के कहते हैं चीज़ मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, नमकीन है, तो वो जो एक क्वालिटी होती है, एक बेसिक आउटर क्वालिटी, वो हमको असेंडेंट में एक नंबर देख के पता चलती है। अब जैसे स्कॉर्पियो नंबर इज 8, तो उसके साथ साथ जितने भी अब नंबर जिन जिन हाउसेस में फॉल करेंगे उनके हिसाब से हमको क्वालिटी के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हम वन मतलब फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करेंगे, 8 स्कॉर्पियो का असेंडेंट। तो फर्स्ट हाउस बेसिकली जो इन लोगों की पर्सनालिटी है, इनका हेड एरिया है और आउटर पर्सनालिटी है, वो बहुत डायनामिक, इंटेंस और काफ़ी अट्रैक्टिंग होती है। और कभी कभी लोगों को उनको देख के लगता है कि ये काफ़ी डोमिनेंट नेचर की हैं, चाहे वो हो या ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन देख के कभी कभी लगता है ना कि यार ये तो बात सुनेगा ही नहीं बंदा, ये तो हमारी बात इग्नोर कर देगा, हमको इग्नोर कर देगा। तो वो जो एक डोमिनेंट नेचर होता है वो इनके हेड एरिया पे साफ साफ दिखाई देता है। और दूसरी बात, ये लोग काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं, बहुत मिस्टीरियस और काफ़ी सीक्रेटिव। बहुत सारी बातें इनके नेचर के बारे में, इनके टेम्परामेंट के बारे में, इनकी हॉबीज, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में मोस्टली लोगों को पता ही नहीं चलता। जैसे कि स्कॉर्पियो अपने आप में ही एक रुका हुआ पानी है। जो स्कॉर्पियो है हमारा वो एक तरीके से रुका हुआ पानी है, कहने को तो ये पानी है लेकिन ये फ्लो करने वाला वाटर नहीं है। जो स्कॉर्पियो का साइन है वो एक ऐसा पानी है जो बहुत ही डेप्थ में है, काफ़ी डीप और एक ना फ्लो करने वाला एक वाटर है। अब उस पानी में हम जितने जितने नीचे जाते जाएंगे हमको उतनी मिस्ट्रीज, सीक्रेट्स इन लोगों के बारे में पता चलता रहता है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो स्कॉर्पियंस को देख के बस बेसिक आउटलाइन हमें दे देते हैं और लोग समझते हैं कि हाँ स्कॉर्पियो है, ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को काफ़ी डेप्थ में देखना पड़ता है क्योंकि ये साइन ऐसा है, कहने को ये वाटर साइन है बट ये नॉर्मल फ्लोइंग वाटर नहीं है, ये एक रुका हुआ पानी है जो काफ़ी टाइम से एक जगह पे इकट्ठा हो रखा होता है। तो ठीक है, दूसरी चीज़ इन लोगों के बारे में हमको नेचर में ये देखने को मिलती है कि जो इनके ओपोनेंट्स होते हैं, इनके एनिमीज होते हैं, इन लोगों को जीतने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। ये एक ऐसा साइन है जो हार बर्दाश्त नहीं करता। इनको बहुत अंदर से एंजाइटी और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है अगर इनको पता चले कि इनका ओपोनेंट या इनका एनिमी इनसे आगे बढ़ रहा है या जीत रहा है। उसको रोकने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब इनका जो स्कॉर्पियो माइंड है वो गेम्स खेलता है, सीक्रेट प्लेस करता है, लेकिन अपने एनिमीज को जीतने के लिए लोग किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। और क्योंकि हम स्कॉर्पियंस की बात कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस हमें ये भी बताता है कि कभी कभी ये लोग सीक्रेटली अपने आप को हार्म पहुंचाते हैं, जैसे गुस्से में ये लोग अपने आप को कट मार देना या अपने बाल खींचना, सर पटकना, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज इनकी सीक्रेट होती हैं। ये सबके सामने जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो टैंट्रम्स थ्रो करते हैं कि जमीन पे लेट गए, अपने आप को मार रहे हैं सबके सामने, ये वो नहीं है। ये जो भी करेंगे वो सीक्रेटली करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा इनके बारे में कि ये क्या कर रहे हैं, बट ये कभी कभी सीक्रेटली अपनी बॉडी की तरफ से अब्यूसिव हो जाते हैं। तो गाइज, इफ यू आर स्कॉर्पियंस और आपकी भी ऐसी हरकतें हैं तो प्लीज ऐसा ना करें, ये अच्छी बात नहीं है।
सीक्रेटली ये लोग अल्कोहल या ड्रग्स के यूज़ में भी आ सकते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये अल्कोहल और ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं। और एक बात और, जब भी हम स्कॉर्पियंस की बात करेंगे, सीक्रेट और छुपा के करना, ये वर्ड्स बहुत बार आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि इनकी मोस्टली जो पार्ट होता है लाइफ का वो एक सीक्रेट होता है, मिस्ट्री होता है। लोगों को नहीं पता चलता है कि इनका बेसिक ट्रू नेचर, ट्रू कलर्स क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग बुरे हैं या ये सीरियल किलर्स हैं या मर्डरर्स हैं, ऐसा नहीं होता। मोस्ट मिसअंडरस्टूड साइन अगर मैं किसी को कहूँगी तो वो स्कॉर्पियंस को कहूँगी, क्योंकि लोग समझते ही नहीं, उनको लगता है ये फ्रीक्स हैं, इनको छोड़ दो, इनसे थोड़ा दूर रहो। लेकिन नहीं, उनको समझने की कोशिश करो कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस मतलब हमारा फैमिली बैकग्राउंड, कल्चरल वैल्यूज़, ठीक है। ये जो इनका फैमिली बैकग्राउंड होता है, ये लोग स्कॉर्पियंस के फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी कल्चरल एंड रिलीजियस पेरेंट्स इनके मोस्टली देखे जाते हैं। या तो इनके पेरेंट्स बहुत ही हाईली एजुकेशनल बैकग्राउंड से, PhDs, MSc और ये जितने भी स्कॉलर्स होते हैं, ये सब इनके फैमिली बैकग्राउंड में होते हैं। या फिर ये लोग एकदम ही रिलीजियस एंड सोशल सर्विस से रिलेटेड इनके पेरेंट्स होते हैं, इनका कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे, और ये सब कहने का रीज़न क्या है, जो स्कॉर्पियंस का सेकंड हाउस है वहाँ पे सैजिटेरियस है, 9 नंबर सैजिटेरियस, एंड सैजिटेरियस का रूलर है जुपिटर, बृहस्पति। सो जुपिटर इनका सेकंड हाउस कंट्रोल कर रहा है, तो इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली वेल्थ है, इनकी फैमिली हेरिटेज है, ये जुपिटर इनका ये कंट्रोल कर रहा है। और जुपिटर इनका फिफ्थ हाउस को भी देख रहा है, तो यही दोनों हाउस हमारे फैमिली इनकम को देखते हैं। तो इनकी जो फैमिली वेल्थ है, ये अपनी फैमिली वेल्थ को मोस्टली स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और इससे इनको फ़ायदा भी होता है। ये लोग अपनी फैमिली इनकम में किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब जबकि जुपिटर इनका सेकंड हाउस देख रहा है, तो इनको मोस्टली उसमें फ़ायदा ही होता है। जो स्पेकुलेटिव बिजनेसेस हैं, ये सब इनका फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस दोनों को देख के पता लगता है, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस में इनको फ़ायदा होता है। अब थर्ड हाउस की बात करते हैं, जो इनकी मेंटल स्टेट है, सिबलिंग्स है, ये लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। जो इनकी मेंटल स्टेट है, ये काफ़ी कंफ्यूज हैं, ये अंदर ही अंदर अपने सारे डिसीजंस को ओवरथिंक करते हैं और सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ये किया तो ये होगा, ये किया, ये नहीं किया तो ऐसा ना हो जाए, ये किया तो ऐसा ना हो जाए। तो ये जितनी भी इनकी चीज़ें हैं, ये सारी ये इनके माइंड में चलती रहती है, और ये कॉन्स्टेंटली अपने अंदर एक लड़ाई से लड़ते रहते हैं। तो इनका जो रिलेशनशिप इनके सिबलिंग्स के साथ है, वो काफ़ी एक कन्फाइंड स्टेट में होता है, क्योंकि जब इनको लगता है कि हाँ अब इनको बात करनी है, तभी ये अपने सिबलिंग्स से बात करते हैं, भाई बहनों से बात करते हैं। मोस्टली काफ़ी जॉय एंड फन में काफ़ी कम होता है कि इनका रिलेशन इतना घुला मिला हो अपने फैमिली के साथ। ये इमोशनली इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, उनकी केयर करते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियंस अपने हर रिलेशन के लिए प्रोटेक्टिव तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक इमोशनल साइन मैं इसको कहूँगी। लेकिन जो अपने सिबलिंग्स के साथ इनका रिलेशन है ओवरऑल, वो काफ़ी एक कन्फाइंड और डिसिप्लिन मैनर में रहता है, क्योंकि ये लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हैं, और ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि चाहे कोई भी हो, वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रा सा भी हर्ट करे। तो उनके मोस्टली रिलेशनशिप्स में हमको एक डिसिप्लिन दिखता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस, घर का एटमॉस्फेयर। ये जो लोग होते हैं, इनका जो घर का फोर्थ हाउस है, ये एक्वेरियस रूल कर रहा है, एक्वेरियस, और एक्वेरियस मतलब सैटर्न। तो इनका जो घर का एनवायरनमेंट है, काफ़ी डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा संस्कारी, जिसे कहते हैं विजडम से भरा हुआ, इस टाइप का माहौल होता है। काफ़ी इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं कि ये करो, ये वर्ल्ड के लिए क्या चल रहा है आजकल दुनिया में, और क्या अच्छा है दुनिया में, क्या करना चाहिए, धर्म कर्म की जो बातें होती हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर इनका फोर्थ हाउस इनको देता है। और ये जो रियल एस्टेट है, इसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये बात हमको फोर्थ हाउस को देख के भी पता चल रही है, सेकंड हाउस को भी देख के पता चली थी। ये लोग एजुकेशन और एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छे होते हैं, अबव एवरेज होते हैं, और ये लोग अपने बच्चों को काफ़ी क्रिएटिव होने का स्पेस देते हैं। ये अपने बच्चों पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं, क्योंकि इनका जो फिफ्थ हाउस है वो भी जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये लोग अपने बच्चों को एक खुला एटमॉस्फेयर देते हैं। इनका जो फिफ्थ हाउस है वो पाइसिस का हाउस है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, और इन लोगों की क्रिएटिविटी एक सीक्रेट मैसेज लिए हुए होती है। मोस्टली जब भी हम किसी स्कॉर्पियन की कोई बंदा क्रिएटिव हो और हम उसकी क्रिएटिविटी को देखें, तो उसके अंदर एक स्पिरिचुअल मैसेज होता है।
या तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव, मिस्टीरियस, डार्क क्रिएटिविटी में होते हैं, मतलब बहुत अच्छे, जैसे कहते हैं साइको किलर्स का रोल कर सकते हैं ये लोग, एक डिप्रेस्ड बंदे का, ड्रग एडिक्ट का, अल्कोहलिक का, ये सारे रोल्स क्रिएटिविटी वाले जो होते हैं, जो थोड़ी डार्क साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये लोग उन रोल्स को बहुत ही बखूबी प्ले कर सकते हैं। या फिर अगर ये आर्ट से रिलेटेड हैं तो ये कुछ ऐसा आर्ट करेंगे कि आपको उसको देख के थोड़ा आप अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, लेकिन स्टिल आपका उस आर्ट को देखने का मन करेगा, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसके अंदर कोई एक ऐसा सीक्रेट मैसेज होगा जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इनका जो सिक्स्थ हाउस होता है वो मार्स कंट्रोल करता है, तो ये अगेन हमको यही बता रहा है सिक्स्थ हाउस भी कि ये अपने एनिमीज को छोड़ते नहीं हैं। अगर कोई इनको तंग कर रहा है, इनका ओपोनेंट है, इनका एनिमी है, तो सीक्रेटली कुछ प्लॉटिंग एंड प्लानिंग करके ये उसको ख़त्म करने की, जड़ से हटाने की, बीच में से हटाने की कोशिश करते रहते हैं। ये एक ऐसा साइन है जिनको हार बर्दाश्त नहीं होती, मैंने पहले भी कहा था, एंड दे कैन नॉट स्टैंड डिफीट। एंड स्पेशली अगर इनका मार्स भी किसी ऐसी सिचुएशन में हो, एक ऐसे हाउस में हो जो यही चीज़ इन्फ्लिक्ट कर रहा हो, तो हमको इस साइन से सीरियल किलर एंड मर्डरर्स भी देखने को मिलते हैं। बात करें इनकी डेली लाइफ की, तो एक प्रॉब्लम स्कॉर्पियन के साथ हमेशा देखी गई है, इनकी डेली लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनको मोस्टली सारी जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं वो उनको चैलेंजेस फेस करने के बाद ही मिलती हैं। और एक अच्छी बात इसमें ये है, स्कॉर्पियन एक ऐसा साइन है जिसको चैलेंजेस पसंद भी बहुत हैं, इनको इजीली किसी भी चीज़ का मिलना अच्छा लगता ही नहीं है। जिस हाउस को, जिस प्लैनेट को जो हम स्कॉर्पियन की बात कर रहे हैं, जब इनको पसंद ही चैलेंजेस हैं तो इनको ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम आती नहीं है चैलेंजेस फेस करने में, क्योंकि इनको वो कंपटीशन, कॉम्पिटेटिव स्ट्रीक इनके अंदर मिलती रहनी चाहिए ताकि ये अपना जीवन अच्छे से फुलफिल कर पाए, इनको चैलेंजेस चाहिए। तो सेवेंथ हाउस की बात करते हैं, इन लोगों का वाइफ, हस्बैंड, स्पाउस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल होते हैं, और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनका सेवेंथ हाउस टॉरस रूल कर रहा है, साइन ऑफ वीनस। तो मोस्टली जितने भी साइंस होते हैं यहाँ पे उनको ऑपोजिट अट्रैक्ट्स करते हैं, कि मतलब अगर जो एकदम ऑपोजिट नेचर होता है वो लोग हम बोलते भी हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, बट स्कॉर्पियो ऐसा साइन है जिनको अपने जैसा ही स्पाउस चाहिए, जो चाहते हैं उनका स्पाउस उनसे किसी बात में डिसएग्रीमेंट हो, या कुछ वो अपना माइंड सेट रखे उनके आगे, अपने कुछ डिसीजंस रखे, अपनी कंक्लूजन्स रखे, ताकि ये उससे काउंटरैक्ट कर पाएँ, ताकि ये ओवर पावर कर पाएँ अपने डिसीजंस उनके ऊपर। तो इनको ये पसंद आता है, इनको कंपटीशन सिर्फ अपनी लाइफ में नहीं, अपनी रिलेशनशिप्स में भी पसंद आता है। जो जो स्कॉर्पियंस होते हैं उनको स्कॉर्पियन एनर्जी वाले लोग ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, एंड टॉरस एंड स्कॉर्पियो दोनों ही फिक्स साइन है। तो स्कॉर्पियो को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनको पसंद ही वो लोग आते हैं जिनका थॉट प्रोसेस और विल पावर स्ट्रांग होती है, ताकि ये उसके साथ काउंटरैक्ट कर पाएँ, अपने ओपिनियंस और उनके ओपिनियंस को सुन पाएँ, और फिर उनके ऊपर एक डोमिनेंस जता पाएँ। एंड ये लोग अपने पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, मतलब बाकी सारे साइंस भी होते हैं प्रोटेक्टिव, लेकिन स्कॉर्पियंस के अंदर एक चीज़ होती है कि अगर उनको लगता है कि ये चीज़ मेरी नहीं है तो फिर वो वहाँ से हट जाते हैं, या तो इनको पूरी अपनी अपना चाहिए, अपना कि या तो ये किसी चीज़ को अपना कह सकें, और जब ये अपना नहीं कह सकते तो ये वहाँ से हट जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्कॉर्पियन है तो ये सिर्फ आपको, आपके साथ ऐसे ही है उसके बाद चले जाएंगे छोड़ के, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी रिलेशनशिप में लोग बहुत लॉयल होते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं, एक तरीके से इमोशनली कंज्यूम्ड होते हैं। इनके दिमाग में 24 घंटे यही चलता रहता है कि इनका पार्टनर इनसे खुश है, परेशान तो नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर है तो ये उनके लिए अपनी जान तक देने को रेडी रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंजेस, इन लॉस। तो ये लोग अपने इन लॉस के साथ, इनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, और ये अपने इन लॉस के साथ कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये हाउस जेमिनाई रूल कर रहा है। जब जेमिनाई यहाँ पे रूल कर रहा है तो इन लोगों का कुछ शॉर्ट ट्रैवल्स बार बार होते रहते हैं, इनको शॉर्ट जर्नीज काफ़ी बार करनी पड़ती हैं, और
ये जेमिनाई 8th हाउस में होने की वजह से ये लोग बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव्स, स्टॉकर, ये सारे जो फायर फाइटर, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, ये जो चीज़ें होती हैं, ये स्कॉर्पियंस बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में अट्रैक्ट भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। तो काफ़ी बार मैंने देखा है कि जो डिटेक्टिव, स्टॉकर, फायर फाइटर, एम्बुलेंस ड्राइवर्स होते हैं, पुलिस होती है, इन सबको शॉर्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल करने पड़ते हैं और ये लोग मोस्टली यही असेंडेंट वाले लोग होते हैं। ये लोग इमोशंस में आकर काफ़ी बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं अपनी लाइफ में, अर्ली ऑन इन 20s एंड लेट 20s। तो इनको सोचना चाहिए कि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो एकदम जल्दी डिसीजंस ना लें, क्योंकि बाद में फिर इनको रिग्रेट करना पड़ता है उन डिसीजंस के लिए। अब 9th हाउस की बात करते हैं। ये लोग काफ़ी इमोशनली जुड़ जाते हैं अपनी स्पिरिचुअल साइड से, अपने रिलीजियस साइड से। पहले तो इन लोगों को लगता है कि नहीं, क्या है ये, क्या स्पिरिचुअल, क्या रिलीजियस, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये इनका जो स्कॉर्पियन नेचर है ये ओवरपावर करता है इन्हें, तो ये लोग काफ़ी स्पिरिचुअल, रिलीजियस ह्यूमन बींग्स बन जाते हैं, क्योंकि ये हाउस इनका मून रूल कर रहा है। तो 10th हाउस, 10th हाउस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी, कैरियर, सन, और बेसिकली ये हाउस इनका सन रूल कर रहा है यहाँ पे। तो ये लोग काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट वर्कर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं। इनके पास मोस्टली देखा जाता है अथॉरिटी होती है इन लोगों के पास। इन लोगों के पास दूसरे लोगों को ओवर पावर करके अपने लिए काम निकलवाना देखा जाता है। ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं सारे काम, और सन यही सब चीज़ें रिप्रेजेंट भी करता है कि गवर्नमेंट, अथॉरिटी, डोमिनेशन, ये सारी चीज़ें सन रूल कर रहा है। तो काफ़ी बार देखा जाता है कि ये लोग अच्छे सर्जन बन सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, और मोस्टली यही दो फील्ड्स होती हैं जहाँ से हमको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता है इन लोगों के बारे में, एक मेडिकल फील्ड, एक गवर्नमेंट फील्ड। अब 11th हाउस, 11th हाउस हमारा सोशल नेटवर्क, हमारे फाइनेंशियल गेन्स, ये सारी चीज़ें हमको बताता है। तो ये जितने भी सोशल नेटवर्क और इनका जो गेन्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लोग काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं। ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि जिससे बात कर रहे हैं, जो इनके फ्रेंड्स हैं, उनसे इनको कुछ गेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल ये हाउस हमको दिखाता है कि लोग हो जाते हैं। तो कभी कभी इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, कभी एकदम कम हो जाता है, क्योंकि इनके जीवन में फ्लक्चुएशंस बनी रहती हैं, क्योंकि ये साइन स्कॉर्पियो का है, तो फ्लक्चुएशंस काफ़ी देखी जाती हैं। अब जो 12th हाउस है, वो ड्रीम्स, स्पिरिचुअल लाइफ, पेट प्लेजर, हिडन जो चैलेंजेस हैं, हिडन बातें, ट्रू मीनिंग, फिलोसफी, इन सबको रिप्रेजेंट करता है, और लिब्रा इनका ये हाउस रूल कर रहा है। तो ये जब भी अपनी इमेजिनेशन में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, और इस स्टेट में होते हैं जहाँ पे ये बाकी लोगों से डिस्कनेक्ट करके अपने आप से कनेक्ट करते हैं, ऐसी सिचुएशंस में ये लोग काफ़ी काम, रिलैक्स एंड फ्री फील करते हैं, और इनके लिए ये स्पेस इनका सबसे ज़्यादा अच्छा और कार्मिंग फेस है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस स्कॉर्पियंस के बारे में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।